गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ वाटर प्लस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वन मोलर एक्वस NaCl तक का डिस्कशन हो गया था, राइट। अब हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे कि अगर हम मोलैरिटी या कंसंट्रेशन को वन मोलर से इंक्रीज कर दें या उसे हम डिक्रीज कर दें तो उससे हमारे जो प्रोडक्ट बन रही है, हाँ प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा था, H2 गैस और Cl2 गैस। तो H2 गैस तो हर बार फिक्स रहेगा, लेकिन Cl2 गैस क्या चेंज हो सकता है? हाँ, अगर होगा तो किस केस पे, क्या कंडीशन होगी या कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या इफेक्ट आएगा, अब हम उसी को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अलग अलग कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलिसिस को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से रिविजन के साथ। पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, इसका SOP वैल्यू कितनी होती है, -1.23 वोल्ट। ये वो वैल्यू है जो हमें लगती है कि होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली इस वैल्यू पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, उससे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, वो भी कितनी, 0.25 वोल्ट। अगर कोई पूछे क्यों चाहिए होती है, तो क्योंकि वाटर एक लिक्विड है, उसका इलेक्ट्रोड तो हम बना नहीं सकते। तो इलेक्ट्रोड हम किसे बनाए होंगे, प्लेटिनम का, इनर्ट इलेक्ट्रोड का। अब क्योंकि जब हमने प्लेटिनम यूज किया तो मुझे पता है कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे अगर प्लेटिनम कोटिंग की गई है तो उसके लिए 0.25 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिवेशन पावर, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो हमें चाहिए, दैट इज -1.48 वोल्ट, कह सकते हैं। तो चलिए, दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का रिएक्शन की अगर बात करें हम, तो देखिए क्या होता है, 2H2O gives us ऑक्सीजन गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन आयन एक्वस। आपको रटना नहीं है, पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया गया था, बस आपको रिवीजन कराने के लिए यहाँ लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन ऑफ वाटर, इसकी SRP वैल्यू कितनी होती है, -0.827 वोल्ट। और इसकी जो रिएक्शन अगर हम लिखें तो क्या आता है, 2H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस हाइड्रोजन गैस एंड 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, सही है। चलिए, उसके बाद हमने देखा था 1 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन, एनोड पे क्या बनता है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। ये कैथोड पे जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है वो तो चाहे मोलैरिटी आप जितनी चेंज कर दे, यानी कि कंसंट्रेशन आप बढ़ा दे या घटा दे, वो हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से जो क्लोरीन गैस है, इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। हाँ, इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है, कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नेट्सेल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिला था, 2 टाइम्स ऑफ NaCl प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O गिव्स अस 2 टाइम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल बेस है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अल्कली, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में हमें क्लोरीन गैस और अल्कली मिल रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। आइए, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वन मोलर NaCl एक्वस, कल डिस्कशन हो गया था, आज हम यहाँ से एक रिलेशन बनाएंगे और उस रिलेशन की बेस पे हम पता करेंगे कि वो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- पे कैसे डिपेंड करता है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब भी आपने NaCl एक्वस सॉल्यूशन लिया होगा या फिर NaCl को वाटर में मिक्स किया, तो क्या होता है, तुरंत वो Na+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आपको 1 मोल Na+ आयन मिला होगा और 1 ही मोल Cl- आयन, यानी कि अगर इसकी मोलैरिटी 1 मोलर है तो Na+ की भी मोलैरिटी 1 मोलर होगी और Cl- की भी मोलैरिटी 1 मोलर ही होगी। अगर हम एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहे ऑक्सीडेशन की बात करें, आप चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, दो चीज़ें पॉसिबल हैं, पहला वाटर का ऑक्सीडेशन हो या दूसरा क्लोरीन आयन का ऑक्सीडेशन हो, दोनों ही हो सकती हैं।
किसको होंगी, कैसे डिसाइड करते हैं हम? हाँ, उनकी एसओपी वैल्यू पे, जिसकी एसओपी की पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वही सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा और वही प्रोडक्ट हमें इलेक्ट्रोलिसिस के बाद मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। वाटर, वाटर ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या देता है? ऑक्सीजन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन आयन। इसकी जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है दैट इज -1.23 वोल्ट, लेकिन इसे लगता है कितना है? -1.48 वोल्ट। तो हम -1.48 वोल्ट को ही कंपेयर करेंगे। जब हम क्लोरीन आयन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्लोरीन गैस, और इसकी जो एसओपी वैल्यू आती है वो कितनी आती है? -1.35 वोल्ट। अब आप हमें ये बताइए कि -1.48 वोल्ट और -1.35 वोल्ट दोनों में से किसकी वैल्यू, हाँ किसकी पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी? इसकी बड़ी होगी, है ना। नेगेटिव में ये छोटा है, यानी कि ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू के लिए बड़ी है। ओवरऑल -1.35 इज ग्रेटर देन -1.48, तो ये ऑक्सीडाइज होगा और हमें एनोड पे क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। अब हम क्या करते हैं, इसी पे नॉन स्टिक इक्वेशन लगा देते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक इक्वेशन से हमें वहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक रिलेशन मिल जाएगा, और उस रिलेशन के बेस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उससे हमारे जो प्रोडक्ट मिल रहे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद उस पर क्या इफेक्ट आएगा। यानी कि जो H2 और Cl2 मिल रहा है, हो सकता है वो H2 और O2 मिल जाए, क्योंकि H2 तो आपका फिक्स है कि मिलेगा, लेकिन हो सकता है वो क्लोरीन गैस मिल जाए, या ये भी हो सकता है आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए, क्या होता फॉर्मूला? ECl हमें लिखा है यहाँ पे EOP, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाफ सेल पे लगा रहे हैं इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.0591 अपॉन n इंटू log q। n क्या हमारा नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, q क्या हमारा रिएक्शन कोसेंट, और Cl2 गैस का जो प्रेशर हम मान लिए कितना? 1 atm। आइए वैल्यू रखते हैं। E0 ऑफ OP, ये हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो देखिए, क्लोरीन आयन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? -1.35 वोल्ट, वो हमने यहाँ रख दिया। -0.0591 को हम कितना लिख सकते हैं? 0.06, तो आप लिख लीजिए 0.06 अपॉन नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, देखिए कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 2 आ गया। लॉग क्यू क्या हमारा रिएक्शन कोसेंट, प्रोडक्ट से लिखेंगे। तो देखिए, प्रोडक्ट में क्या है हमारा? Cl2 गैस, गैस के लिए क्या डिफाइन होता है? प्रेशर कितना है? 1। सो 1 अपॉन, इधर आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या है? क्लोरीन आयन है, एक्वस फॉर्म में है, तो इससे कंसंट्रेशन डिफाइन होगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन, और जो कोफिशियंट होता है वो कोफिशियंट कहाँ चला जाता है? पावर पे। यहाँ तक कर सकते हैं। अब आप चाहें तो अभी यहाँ पे आगे वाली लाइन नोट करने से पहले एक लाइन और आप नोट कर लीजिएगा, वो काम आएगा। वो लाइन कहाँ लिख दें? यही लिख देते हैं, आप देख लीजिए, ये हो जाएगा -1.35 -0.0591 अपॉन 2। इसको सॉल्व करिए या ऐसे रहने दीजिए। ये देखिए 0.0591 अपॉन 2 log, इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा? Cl- का कंसंट्रेशन रेस्ट टू द पावर -2, यानी कि नीचे था ऊपर लेके गए तो -2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उड़ा के आगे ले आएंगे, तो देखिए क्या मिलेगा आपको? -1.35 वोल्ट, ठीक है, -0.0591 अपॉन 2 इंटू, ये देखिए क्या log m के पावर n है क्या, यानी कि पावर क्या होगा? बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे? इंटू -2, फिर से क्या मिलेगा हमें? log कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। अब ये देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? -1.35 माइनस, अच्छा ये माइनस ये भी माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएंगे? प्लस 0.0591 log कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है? क्लोरीन आयन के कंसंट्रेशन पर, हाँ, यानी कि जैसे जैसे क्लोरीन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा
ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कम होगी तो बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर क्लोरीन की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, कम होने लगे। ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार अगर कम हो रही है तो एसओपी की वैल्यू भी कम हो रही होगी। अगर एसओपी कम हो रही है तो बताइए किसकी एसओपी बढ़ रही होगी फिर, हाँ फिर तो वाटर की जो एसओपी की वैल्यू है वो बढ़ने लगेगी। और किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा फिर, एक लिमिट के बाद वाटर का ऑक्सीडेशन होने लगेगा और हमें क्या मिल जाएगी उस केस में, फिर O2 गैस। लेकिन ये कब ट्रू होगा, जब इस क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। अच्छा, क्लोरीन आयन का कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, NaCl का कंसंट्रेशन क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। यानी कि अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है NaCl की, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज़्यादा कम हो गई, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। दूसरा क्या मिलता है आपको, वो तो है हाइड्रोजन गैस। यानी कि एनोड पे आपको मिलेगा क्या, कहा गया हाँ, एनोड पे आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन गैस एंड कैथोड पे आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन की जो मोलैरिटी 1 है, अगर मैं उसको और बढ़ाते जाऊं तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्योंकि ये तो पहले ही इसकी एसओपी की वैल्यू, क्लोरीन की एसओपी की जो वैल्यू है वो पहले ही वाटर की एसओपी की वैल्यू से ज़्यादा पॉजिटिव थी, और बढ़ाने पर और पॉजिटिव हो गई। यानी कि किसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, क्लोरीन का, और उस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन से होंगे, हाइड्रोजन, और कौन से होगा, दूसरा क्लोरीन। यानी कि कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन गैस। क्लियर है, ये इसका एग्जैक्ट तरीका था समझने का। देखिए आगे, अब दूसरा केस ये था कि अगर मेरा कंसंट्रेशन 1 मोलर है तब, तो देखिए तब आप सारी वैल्यू उड़ा के यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा log 1। log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यानी कि आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू के ही इक्वल आ जाएगी। यानी कि इस केस में आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं किसकी वैल्यू से, SOP की वैल्यू से, कि कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है तो उस केस में हमेशा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। लेकिन अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज़्यादा कम हो गया तो उस केस में SOP ऑफ क्लोरीन कम हो जाएगा और कंपेरेटिवली SOP ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यानी कि उस केस में वाटर का क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन, और आपको क्लोरीन गैस की बजाय क्या मिलने लगेगा, ऑक्सीजन गैस। देखिए ये वही रिलेशन यहाँ दिया गया है, ठीक है, Cl माइनस बढ़ाने पे ये वैल्यू बढ़ेगी और घटाने पे वो वैल्यू घटेगी। वो तो हम आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिए, तो आपको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं पहला केस, वेन Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्या है, मोर देन 1 मोलर। यानी कि उसमें क्लोरीन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि NaCl के अमाउंट बढ़ा रहे हैं हम। अगर वो बढ़ा रहे हैं तो बताइए वो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब कम एरिया में ज़्यादा लोग, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में जब आप ज़्यादा शुगर मिला देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या है, कंसंट्रेटेड। अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में कम आपने सॉल्ट मिलाया NaCl तो वो क्या होता है, डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड के केस में बताइए क्या हो रहा होगा, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन log Cl- विल ऑल्सो इंक्रीज। यानी ये वैल्यू बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, तो ये टोटल वैल्यू भी क्या होगी, हाँ लगातार बढ़ेगी। आगे देखिए, ओके आई थिंक यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए था, ये गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। एंड हेंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल ऑल्सो इंक्रीज, ये वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड वी विल गेट क्लोरीन गैस।
ऑक्सीजन गैस कब मिला था, जब कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो गया था। आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। आप इसको करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे देखिए ये प्लस होगा। सेकेंड केस, ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन, जब आप क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो जो ईओपी की वैल्यू है, यानी कि स्टैंडर्ड नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है क्लोरीन की, वो लगातार क्या हो रही होगी, घट रही होगी। क्योंकि अगर वो घट रही है तो एक टाइम के बाद एसओपी की जो वैल्यू है क्लोरीन के लिए, वो वाटर की एसओपी वैल्यू से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और उस केस में एसओपी ऑफ वाटर ज़्यादा होने की वजह से किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वाटर का, और हमें क्या मिलने लगता है, ऑक्सीजन गैस। यानी कि हमें क्लोरीन गैस ना मिलके उस केस में क्या मिलने लगता है, ऑक्सीजन गैस मिलने लगता है। सही है, तो देखिए हमें क्या लिखा गया यहाँ पर, एंड वी विल गेट ऑक्सीजन गैस आफ्टर कंसिडरेबल डिक्रीमेंट इन क्लोरीन आयन। वो भी ये नहीं कि वन को आपने करके कम 0.99 कर दिया, नहीं, एक लिमिट के बाद आप लगातार कम करते जा रहे तो एक टाइम आएगा उसके बाद आपको क्लोरीन आयन यानी कि क्लोरीन गैस न मिलके आपको क्या मिलने लगता है, ऑक्सीजन गैस मिलने लगता है। आइए इसको हम एक टेबल में लिख लेते हैं ताकि हमें, हमारे लिए इसको याद रखना क्या हो जाए, आसान। देखिए हेडिंग है आपको प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। यहाँ पर वन मोलर मेंशन नहीं है क्योंकि हम इसमें वन मोलर, मोर देन वन मोलर यानी कि कंसंट्रेटेड, और लेस देन वन मोलर यानी कि डायल्यूट, तीनों के लिए डिस्कस करेंगे। तो बताइए जब हम वन मोलर NaCl लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्या मिलता है, क्लोरीन गैस। अगर मेरी कंसंट्रेशन और बढ़ा दी जाए तो कैथोड पे तो वही हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस हमें एनोड पर मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे एसओपी ऑफ क्लोरीन क्या होगी, और पॉजिटिव होती जाएगी। अगर उसकी एसओपी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको हर बार किसका ऑक्सीडेशन कराना होगा, क्लोरीन का, और आपको क्लोरीन गैस ही मिलेगी। लेकिन अगर ये वैल्यू काफ़ी कम हो गई, यानी कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन घटा दिया वन मोलर से और उसके बाद ये डायल्यूट हो गई, तो क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस तो मिलना ही था। बस अब क्योंकि एसओपी ऑफ वाटर ज़्यादा हो गया है इसलिए वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। हो सकता है थोड़ी बहुत अभी आप लोग को लगे कि क्या चल रहा है, परेशान मत होइए। जहाँ आपने दो और इलेक्ट्रोलिसिस देख लिया उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सर बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वन मोलर HCl। फिर से हमने किसके बारे में बात किया, वन मोलर HCl के बारे में। आइडिया तो लग ही गया होगा ऐसे, क्यों, क्योंकि पहले हम वन मोलर के लिए डिफाइन कर लेंगे, फिर हम देख लेंगे अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए HCl जब भी हम एक्वस फॉर्म लेंगे तो हमें देखिए क्या मिलता है, H+ और क्या मिलता है हमें, Cl- मिलता है ना। तो आइए इसके रिएक्शन देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। कैथोड पे रिडक्शन होगा, दो के रिडक्शन हो सकते हैं, किसके किसके, पहला वाटर का, दूसरा हाइड्रोजन आयन का। देखिए H+Cl- है ना, तो H+ का तो रिडक्शन हो सकता है, क्यों, क्योंकि H+ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्या क्लोरीन आयन जो Cl- उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्या वो और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नहीं। तो रिडक्शन किसका हो सकता है, H+ का। आगे डिस्कस करते हैं, जब H+ का आप रिडक्शन कराएंगे और बैलेंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस की SRP की वैल्यू कितनी होती है, 0, या SOP की वैल्यू भी क्या होती है, 0। कब हमने पढ़ा था, जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे, SHE। हाँ, जब भी हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं उसके SOP और SRP दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। तो खैर ठीक है, फिर दूसरी वाटर का, आइए देखते हैं वाटर के लिए। जब आप वाटर का SOP लिखेंगे तो वो कितना होता है, SRP ना। हाँ, जब वाटर के आप SRP लिखेंगे तो वैल्यू कितनी होती है, -0.827 वोल्ट। अब हमें ये बताइए कौन सी वैल्यू आपके हिसाब से बड़ी है, -0.827 या 0।
हाँ 0 वोल्ट बड़ा होगा, तो उस केस में बताइए किसके एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। हाँ एच प्लस की ना, तो क्योंकि एसआरपी की एच प्लस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है इसलिए हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यानी कि रिडक्शन किसका होगा, एच प्लस आयन्स का होगा, न कि वाटर का। बात समझ में आया। चलिए एनोड पे बात करते हैं। एनोड पे भी क्या होगा, दो रिएक्शन पॉसिबल है ऑक्सीडेशन के। पहला क्लोरीन आयन का ऑक्सीडेशन हो जाए या दूसरा वाटर का हो जाए। अभी हमने पीछे करके देखा भी था, क्लोरीन आयन और वाटर में नॉर्मल कंडीशन पे बात करें हम, हाँ अगर हम 1 मोलर कंडीशन की बात करते हैं तो किसकी एसओपी की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्लोरीन की। यानी कि उसके समय क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी। देख लीजिए सब दिया आपके पास, इसकी एसओपी की वैल्यू कितना दिया है, -1.36 वोल्ट। ये कई बुक में आपको हो सकता है -1.35 वोल्ट भी देखने को मिल जाए, तो दोनों ही वैल्यूज एक दूसरे के आसपास होती है। यानी कई बार आपको -1.35 वोल्ट भी देखने को मिलता है और कई बार -1.36 वोल्ट भी देखने को मिलता है। अब देखिए वाटर का होता तो वैसे -1.23 वोल्ट है, लेकिन उसको लगता कितना है, -1.48 वोल्ट। तो आप हमें ये बताइए किसकी, हाँ किसकी एसओपी की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, -1.48 या -1.36। जाहिर सी बात है -1.36 वोल्ट। तो बताइए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। यानी कि इस केस में एनोड पे हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन गैस। तो आइए ये तो किसके लिए था, 1 मोलर के लिए। अब हम क्या करें, इसके टेबल बनाएंगे, इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और कंसंट्रेशन घटाएंगे। अब देखिए ऊपर का तो हाइड्रोजन गैस फिक्स ही है, आपको हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज करने से कौन चेंज हो जाएगा, ये क्लोरीन गैस। जब आप क्लोरीन गैस की कंसंट्रेशन और बढ़ाते जाएंगे तो इसकी एसओपी की वैल्यू और पॉजिटिव होगी, यानी कि इसी का ऑक्सीडेशन होगा और हमें क्लोरीन गैस ही मिलेगी। लेकिन एक केस है, अगर आपने 1 मोलर कंसंट्रेशन से इसकी कंसंट्रेशन को और कम करते चले, यानी कि खूब ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो उस केस में इसकी एसओपी की वैल्यू ज़्यादा कम हो जाएगी और कंपेरेटिवली इसकी एसओपी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा बड़ी। और उस केस में ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का, और आपको क्या मिलेगा फिर प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन गैस। ये तभी पॉसिबल है जब कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन या फिर NaCl, क्योंकि क्लोरीन आयन हमें कहाँ से मिल रहा है, NaCl से, तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl क्या हो, 1 मोलर से काफ़ी छोटी हो जाए। तो आइए देखते हैं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस HCl। पहला अगर 1 मोलर है तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज़्यादा बड़ी है, यानी कि क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो उस केस में भी हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। लेकिन अगर कंसंट्रेशन क्या 1 मोलर से काफ़ी छोटी हो जाए, यानी कि क्या बन जाए, डाइल्यूट, अगर आपके पास डाइल्यूट HCl है, तो उस केस में आपको हाइड्रोजन और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है मेरी बात, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर H2SO4। इसको जानने से पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, देखिए क्या है, जब भी आप सल्फेट आयन, हाँ SO4-2- अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो आपको क्या मिलता है, हमेशा पर ऑक्सी सल्फर डाइऑक्साइड एसिड, या पर ऑक्सी इसको सल्फ्यूरिक डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, आपको हमेशा ये मिलेगा। यानी कि आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे। तो ये आपको याद रखना होगा, एक जब भी आप सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन कराएंगे आपको क्या मिलेगा, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ रहे हैं, कर सकते हैं। तो चलिए देखिए H2SO4 जैसे ही आप एक्वस फॉर्म में बनाएंगे आपको क्या देगा, हाँ H+ आयन
और क्या देगा, सल्फेट आयन देगा, देगा ना। चलिए तो कैथोड पे क्या क्या पॉसिबल रिएक्शन है, कैथोड पे दो चीज़ें पॉसिबल है, एक तो H प्लस का रिडक्शन, दूसरा वाटर का रिडक्शन। H प्लस हमें कहाँ से मिला, यहाँ पे, या तो इसका रिडक्शन हो या फिर किसका रिडक्शन हो, वाटर का। तो देखिए H प्लस का रिडक्शन कराएंगे तो उसके SRP की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। अभी हमने देखा भी था कि जब भी वाटर यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात होगी उसकी SRP और SOP दोनों ही वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जब आप वाटर के SRP की वैल्यू चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -0.827 वोल्ट। देख के ही पता चल रहा है दोनों में से ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, वाटर की। यानी कि हर बार आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। अगर मान लीजिए कहीं से इनके बारे में भी अगर ख्याल आता है, मान लीजिए अगर इसका रिडक्शन हो भी जाए, यानी कि अगर इसकी SRP वैल्यू किसी वजह से इंक्रीज होकर रिडक्शन हो भी जाए तो भी आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बन रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, यानी कि दोनों ही केस में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। लेकिन लॉजिकली अगर हम बात करें तो हमें हाइड्रोजन गैस कहाँ से मिलेगा, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोनियम आयन से, ठीक है। चलिए ऐसे ही एनोड पर बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है दो तरह से। पहला, एक तो वाटर का ऑक्सीडेशन हो, दूसरा सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो। तो आइए देखते हैं पहले वाटर का ऑक्सीडेशन। अगर हम वाटर का ऑक्सीडेशन की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, O2 गैस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.23 वोल्ट। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो हमें चाहिए SOP की वो कितनी चाहिए, -1.48 वोल्ट। अब सल्फेट आयन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराएं तो आपको क्या मिलता है, पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2O8 2-, इसमें क्या H2 नहीं है, H2 रहेगा तो एसिड बन जाएगा, ठीक है, अभी वो आयन फॉर्म में है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन भी है इसके साथ, अगर हम इसकी SOP की बात करें तो इसकी SOP तो आपको याद रखनी होगी, नया SOP आया है, कितना है, -2.01 वोल्ट। अब आप देख लीजिए ऊपर, हाँ, वाटर की SOP की वैल्यू कितनी है, -1.48 वोल्ट, और जो आपका सल्फेट आयन है इसकी SOP की वैल्यू है -2.01 वोल्ट। किसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि हाँ, यानी कि हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा, क्योंकि इसकी SOP की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो आइए इसको भी टेबल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, पहला, अगर मेरे पास 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ, कैथोड पे तो हाइड्रोजन और एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से और बढ़ा दें तो क्या मिलेगा हमें, फिर से कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। फिर से अगर इसकी कंसंट्रेशन हम 1 मोलर से कम कर दें तो भी आपको ऑक्सीजन गैस ही मिलेगा। अब सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों हो गया, आइए देखिए। देखिए SOP कितना है, ये -2.01 वोल्ट, और ये कितना है, -1.48 वोल्ट। अभी हमने कहा अगर आप कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप कंसंट्रेशन कम करेंगे तो बताइए वाटर के अमाउंट बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा। कंसंट्रेशन के बढ़ाने से आपकी SOP की वैल्यू क्या हो रही थी, हाँ, डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप कंसंट्रेशन को घटाएंगे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी, यानी कि ये वैल्यू -1.48 से कम होके नीचे जाने लगेगी। और अगर वो नीचे जाएगी तो उस केस में बताइए ये कितना मिल सकता है हमें, -1.47 वोल्ट। या फिर अगर आप इसको कांस्टेंट भी रखना चाहें तो आप उसको कांस्टेंट रखिए, क्योंकि आप इसका कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, तो ये जो -2.01 वोल्ट की वैल्यू है ये क्या हो रही होगी, ये भी घट रही होगी। तो मान लीजिए ये घट के कितना हो गया, -2.02 वोल्ट।
और आपने कम किया तो हो सकता है -2.56 वोल्ट पहुंच जाए। ये लगातार वैल्यू देखिए क्या है, अभी भी इससे छोटी है, और ये जितना कंसंट्रेशन आप कम करेंगे ये उतने ही ज़्यादा क्या होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होती जा रही है ये वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के कंपेरिजन में और छोटी होती जा रही है। यानी कि हर बार आपको इसी की SOP की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि हर बार आपको ऑक्सीजन गैस ही मिलेगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा, देखिए एक पॉइंट छूट गया था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, अगर हम इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, किसका सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या करें बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, अगर आप लिमिट में बढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू भी लगातार बढ़ रही होगी, हो सकता है ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते कितनी आ जाए -1.46 वोल्ट। अगर आप इतना बढ़ा के ले आ सकते हैं तो बताइए उस केस में -1.48 और -1.46 वोल्ट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी ना। यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, ध्यान दें ज़्यादा नहीं, अब ज़रूरत से बहुत ज़्यादा, वो हमारे सिलेबस में है नहीं बट आप जानते रहिए, अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो उस केस में पॉसिबल है कि हमें क्या मिल जाए फिर H2O8 2-, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके हमें मिल सकता है। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड कर देंगे, उसी केस में सिर्फ पॉसिबल है। कंसंट्रेशन कम करके तो आप बिल्कुल ऑक्सीजन गैस को चेंज नहीं कर पाएंगे। एक साथ इसके साथ एक और टर्म आता है चार्ज डेंसिटी, हो सकता है आप फिजिक्स में पढ़ रखे हों, अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर हम चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि ये सारे रिएक्शन कैसे हो रहे हैं बैटरी की हेल्प से कराए जा रहे हैं, अगर चार्ज डेंसिटी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो उस केस में हमें ऑक्सीजन गैस के साथ साथ, ये जो ऑक्सीजन गैस मिल रहा है ना ये तो मिलता ही रहेगा, इसके साथ साथ हमें पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड भी मिलता है, यानी कि H2SO8 ये हमारा पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड ये हमें मिलने लगता है। ध्यान रहे इसके साथ साथ मिलेगा, ये नहीं कि सिर्फ आपको ये मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको ये एसिड भी मिलने लगेगा। लेकिन ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नॉर्मल कंडीशन में ये कभी पॉसिबल नहीं होता। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें डबल स्टार मिला है, इसके तीन केस बनेंगे, पहला हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करें, दूसरा हम कोई मेटल का इलेक्ट्रोड्स यूज करें, अगर कॉपर सल्फेट का बना रहे हैं तो कॉपर का मेटल यूज कर ले यानी कि वो रिएक्टिव हो, तीसरा अगर वो जो रिएक्टिव मेटल है उसमें इम्प्योरिटी मिला हो तो। तीन केसेस पढ़ेंगे, पहला जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करेंगे यानी कि हम क्या यूज कर लेंगे वहाँ पर प्लैटिनम, उस केस में क्या होगा, दूसरा अगर हम प्लैटिनम के जगह पे कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज करने लगे तो क्या होगा, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम ये जो कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसमें क्या करें इम्प्योरिटीज मिला दें, मिला क्या दें, आप इन जनरल जल्दी जो कॉपर मिलता है वो इम्प्योर ही होता है, उस फॉर्म में क्या क्या होते हैं, आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ये सब उसमें पहले से फिक्स मिले हुए होते हैं, वो अलग बात है कि हम इनका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। अभी आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा मेटलर्जी आगे के चैप्टर्स में, तो वहाँ पे ये चीज़ सिखाई भी जाएगी, लेकिन तब तक आप ये चीज़ जान लीजिए कि जो भी हमें मिनरल्स मिलते हैं ओर से या अर्थ से माइनिंग करके वो पूरे प्योर नहीं होते हैं, उसकी प्यूरिफिकेशन हमें करनी पड़ती है। तो चलिए हमारा पहला केस हम डिस्कस करते हैं, दैट इज यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करें यानी कि प्लैटिनम यूज कर रहे हैं या ग्रेफाइट, उस केस में क्या होगा, देखिए इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से रिएक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ना रिएक्शन इंक्रीज होगी ना रिएक्शन डिक्रीज होगी, ना कोई नया रिएक्शन स्टार्ट होगा ना कोई पहले से चल रहा रिएक्शन रुकेगा, क्लियर है, इसीलिए हमने क्या यूज किया है इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो बताइए कॉपर सल्फेट हमें क्या देगा,
कॉपर आयन, और क्या देगा हमें? सल्फेट आयन मिलेगा। तो देखिए आयन की डिस्कशन करते हैं, कैथोड पे क्या क्या पॉसिबल है। हाँ, कैथोड पे कॉपर आयन का रिडक्शन पॉसिबल है, प्लस वाटर का भी रिडक्शन पॉसिबल है। तो फिर से हम वही चेक करेंगे किसकी SRP वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये देखते हैं, देखिए जब कॉपर आयन का रिडक्शन कराएंगे तब वो कॉपर सॉलिड मिलेगा, और इसकी SRP की वैल्यू कितनी आती है? 0.34 वोल्ट। ध्यान में पॉजिटिव वैल्यू आई है 0.34 वोल्ट। वाटर की अगर बात करें आप, तो वाटर की जब आप रिडक्शन कराते हैं तो उसकी SRP वैल्यू कितनी आती है? -0.827 वोल्ट। ये तो देख के ही बच्चा भी जानता है कि ये पॉजिटिव है तो यही बड़ा होगा, ये तो नेगेटिव है, क्योंकि इसकी SRP की वैल्यू पॉजिटिव ज़्यादा है, इसलिए इसमें किसका रिडक्शन होगा? कॉपर आयन का, और हमें क्या मिलेगा? कॉपर सॉलिड। क्लियर है? यानी कि आपको कॉपर आयन्स जो आपके सॉल्यूशन में होंगे, एक बार हम डायग्राम भी दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए मेरा कंटेनर है, ये मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड किसके हैं? प्लैटिनम के, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया ना, तो प्लैटिनम का है। अब बताइए इसमें कौन सी सॉल्यूशन फील होगी? कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट के इक्वल सॉल्यूशन इसमें हमने फील किया है, यानी कि इसमें क्या होंगे? कॉपर आयन्स और सल्फेट आयन। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि जो कॉपर आयन है इसमें, इस एक्वस सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होने के बाद वो क्या दे रहा है हमें? कॉपर सॉलिड। यानी कि इन इलेक्ट्रोड्स पे, हाँ इन इलेक्ट्रोड्स पे जो कैथोड होगा यही होगा हमारा कैथोड, क्योंकि हम कौन से सेल पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गलवैनिक सेल जब हम पढ़ते थे तो उस केस में यहाँ पे होता था हमारा कैथोड, लेकिन इस केस में कैथोड हमारा कहाँ पे है? यहाँ पर है। यानी कि इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा होगा? कॉपर आके इकट्ठा हो रहे होंगे, यानी कि यस डिपोजिशन ऑफ कॉपर वाज गेटिंग प्लेस्ड। यहाँ पे जो कॉपर के आयन से वो आके सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो रहे होंगे। क्लियर है? चलिए ये तो रही एक बात, कहाँ पे हो रही है? ये कैथोड पे। अब हम बात करेंगे किसकी? एनोड पे, यानी कि जो ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी बात करेंगे। देखिए एनोड पे किसका किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? वाटर का और सल्फेट आयन का। तो देखिए जब सल्फेट आयन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको उसके लिए SOP की वैल्यू कितनी आती है? -2.01 वोल्ट। और अगर आप वाटर की बात करें तो अगर आप एक्स्ट्रा पोटेंशियल यानी कि पावर, एक्स्ट्रा पावर को कैलकुलेट करके भी बात करें तो कितनी आती है? -1.48 वोल्ट। तो बताइए किसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है आपको? इसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा और आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस। यानी कि आपको एनोड पे क्या मिल रहा होगा? ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा? जो कॉपर आयन है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया सॉल्यूशन, उसके कॉपर आयन्स क्या हो रहे होंगे? कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो रहे होंगे? इकट्ठा हो रहे होंगे। किस फॉर्म में? मेटल के फॉर्म में। ये तो था आपका पहला, जब हमने क्या यूज किया था? इनर्ट इलेक्ट्रोड। दूसरा, अगर मैं रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड यूज करें तब, यानी कि अगर आप कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं और कॉपर्स के ही इलेक्ट्रोड लगा दिए हों तो क्या होगा? एक बात तो तय है कि बाकी जो चीज़ें चल रही थी वो तो वैसे ही चलेंगी, लेकिन नया क्या आ गया? क्योंकि ये भी कॉपर हैं तो ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम कैथोड पे बात करें रिडक्शन की, तो किसका किसका रिडक्शन हो सकता है? एक तो कॉपर आयन का, कहाँ पे है? इस सॉल्यूशन में, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर आयन सल्फेट आयन सब मिक्स हैं, तो इस कॉपर आयन का रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा? कॉपर सॉलिड, जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0.34 वोल्ट पॉजिटिव में। दूसरा क्या हो सकता है? हाँ वाटर का रिडक्शन हो सकता है, और वहाँ से आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, लेकिन उसके लिए जो SRP की वैल्यू आती है वो -0.827 वोल्ट। अब देख के पता चल रहा है इसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो हर बार किसका रिडक्शन होगा? कॉपर आयन का,
और वो क्या बना के देगा हमें, कॉपर सॉलिड। यानी कि ये जो कॉपर आयन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये कॉपर आयन्स कहाँ इकट्ठा हो रहे होंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है कैथोड वाला, इसी पे इकट्ठा हो रहे होंगे। ये बात तो हो गई कैथोड की। अब हम किसी बात करेंगे, हाँ ना, वी विल डिस्कस अबाउट एनोड। आइए एनोड पे भी देख लेते हैं। एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन किसका किसका हो सकता है, एक तो जो वाटर है इसमें उसका हो सकता है, दूसरा इसके अंदर जो सल्फेट आयन है उसका हो सकता है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉपर का। ये जो कॉपर है यहाँ पर, कॉपर जिसका इलेक्ट्रोड बनाया गया है, उसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, हाँ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या फिर पॉजिटिव चार्ज का बढ़ाना। तो कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है ना, वो तो चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को हम डोनेट करके क्या बन जाए, हाँ कैटायन में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि यहाँ पर तीन पॉसिबल रिएक्शन है। अब तक तो हमें सिर्फ दो दिखते थे, लेकिन इस केस में हमें कितने दिखे, टोटल थ्री पॉसिबल रिएक्शन। तीनों की हमें क्या करनी होगी, एसओपी को कंपेयर करना होगा और देखना पड़ेगा किसकी एसओपी की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला सल्फेट आयन की अगर आप एसओपी की वैल्यू बात करें तो देखिए कितना आती है, -2.01 वोल्ट। वाटर के लिए बात करेंगे तो -1.48 वोल्ट, और अगर आप कॉपर के लिए बात करें सो दिस विल बी -0.34 वोल्ट। ये जो एसओपी एसआरपी की वैल्यूज है वो आपको कुछ ना कुछ याद रखनी होगी, पीछे कुछ याद करा दिए थे, आज जो नए हैं आप उनको याद कर लेंगे। तो देखिए ये कितना है, -0.34 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए इन तीनों में से किसकी एसओपी की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, ये दिख रही है ना, यानी कि हर बार किसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर सॉलिड का। ये कॉपर सॉलिड कहाँ मिल रहा है हमें, हाँ जो एनोड का इलेक्ट्रोड बनाया कॉपर का, वो क्या हो रहा होगा, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड मोटी सी लगी होगी वो लगातार क्या हो रहा होगा, पिघल रहा होगा, हाँ वो क्या हो रहा होगा, डिजॉल्व हो रहा होगा, किसमें, कॉपर आयन्स में। अब एक चीज़ ध्यान रखना आपको, इसमें दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहला ये जो कैथोड है यहाँ पे, इसमें का जो कॉपर आयन्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, दूसरा ये जो इलेक्ट्रोड है ये डिजॉल्व हो रहा है किसमें, इस इलेक्ट्रोलाइट में। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ से 10 कॉपर आयन डिजॉल्व हो गए और कहाँ के मिक्स हो गए, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और यहाँ से 10, ये जो 10 कॉपर आयन थे, 10 कॉपर आयन कहाँ चले गए आपके, इस मेटल वाले इलेक्ट्रोड पे, कॉपर पे, और इकट्ठा हो गए। तब बताइए ओवरऑल ये जो मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन था, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट का, उसमें जो कॉपर आयन्स के नंबर थी वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, हाँ वो चेंज ही नहीं हुआ। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए पहले इसमें 1 मोल कॉपर आयन थे, तो 1 ही मोल क्या रहा होगा, इसमें सल्फेट आयन रहा होगा। अगर मेरी कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट की 1 मोलर रही होगी तब, तो बताइए यहाँ से 10 इसमें चले गए, तो बताइए इसमें से 10 तो कम हो गए आपके, लेकिन जैसे ही 10 इसमें गए होंगे, यहाँ इस इलेक्ट्रोड से 10 कॉपर आयन आके इसमें मिक्स हो गए। यानी कि यहाँ जब गया तो 10 कॉपर आयन कम हो गए थे, लेकिन यहाँ के 10 कॉपर आयन आके फिर से आपको कंप्लीट कर दिए, यानी कि जितना यहाँ कम होगा उतने यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर आयन्स के नंबर थी वो ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। यानी कि इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होने के बावजूद भी ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल ध्यान से और इम्पोर्टेंट बात हम बता रहे हैं, आपको समझना होगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में से जितने कॉपर आयन यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं उतने ही कॉपर आयन इससे इसमें आके डिजॉल्व हो जा रहे हैं। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके ओवरऑल कॉपर आयन या सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगी। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस से पहले जो आपने मोलैरिटी ली थी इलेक्ट्रोलाइट की, वही मोलैरिटी आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बाद भी देखने को मिलेगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस केस में पॉसिबल है, बाकी किसी केस में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको इतना ध्यान से बताया गया है। समझ में आ गया, हो क्या रहा है,
यहाँ का कॉपर आयन इसमें इकट्ठा हो रहा है और ये क्या हो रहा है, इसमें डिजॉल्व हो रहा है। चलिए नोट पॉइंट देख लीजिए, ठीक है वही चीज लिखाया गया नोट पॉइंट में, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट चेंज। हाँ, इस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगा। अगर हम पुराने वाले की बात करें, यानी कि जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे उसकी बात करें, तो देखिए इसका डायग्राम तो यहाँ पर है ही नहीं, कोई नहीं यहाँ बनाए थे ना। देखिए इस केस में क्या हो रहा था, इसमें के जो कॉपर आयन्स थे वो यहाँ इकट्ठा हो रहे थे ना, जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे, तब ये कॉपर आयन्स कहाँ से जा रहे थे, इसी सॉल्यूशन के कॉपर आयन यहाँ जा रहे थे। तो यहाँ से मान लीजिए 10 कॉपर आयन यहाँ चले गए, तो क्या इस सॉल्यूशन में वापस से 10 कॉपर आयन कोई दिया, नहीं दिया, क्योंकि ये तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये डिजॉल्व हुआ ही नहीं। तो इसमें जितने भी पहले से रहे होंगे, क्या इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद भी उतने ही कॉपर आयन आपको सॉल्यूशन में होंगे, नहीं होंगे, कम हो गए ना। यानी कि इस बार इस केस में जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद कंसंट्रेशन आएगी, इलेक्ट्रोलिसिस होने से पहले वाली कंसंट्रेशन से क्या होगी, बिल्कुल अलग आएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरी बात, कर सकते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्प्यूरिटीज वाले केस। अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रोड कॉपर के हैं उसमें एक में इम्प्योरिटी है एक में प्योर है, यानी कि एक प्योर है दूसरा इम्प्योर है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के नाम से भी जानते हैं। वैसे इस बारे में हम एक बार और फिर डिस्कस करेंगे जब मेटलर्जी पढ़ रहे होंगे, लेकिन तब तक आप इसको जानते रहिए। इसमें क्या होता है, एक इम्प्योर बनाया जाता है कॉपर इलेक्ट्रोड और एक प्योर होता है। जो इम्प्योर वाला होता है वो डिजॉल्व होके प्योर फॉर्म में कहाँ एग्जिस्ट करने लगता है, हाँ प्योर वाले इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होने लगता है, और बाकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इसी सॉल्यूशन में मिक्स हो जाती हैं, कुछ नीचे आके बैठ जाती हैं, कुछ इसी में मिक्स हो जाती हैं। और इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोड आपको प्योर वाला दिख रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे हमें प्योर कॉपर इकट्ठा हुआ मिल जाता है, और हम उसको अलग कर लेते हैं, वो लगभग 99% तक प्योर माना जाता है। आइए देखते हैं क्या कैसे ये काम करता है। देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो कॉपर पे कैथोड पे सॉरी नॉट कॉपर पे जो कैथोड पे हम कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसका हम पूरा प्योर रखते हैं, जबकि जो एनोड वाला कॉपर कैथोड होता है उसमें इम्प्योरिटी होती है, वो इम्प्योर होता है। इम्प्योरिटी कौन कौन से हो सकती हैं, आयरन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ऐसी इम्प्योरिटीज मिलती हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए अब क्या होगा, रिएक्शन पर डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल हैं। तो देखिए रिएक्शन डिस्कस करने से पहले एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब किसका होता है, जिस जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा होंगे या जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कम होंगे, हाँ जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं वो क्या होंगे, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम रखते हैं वो क्या होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना नहीं चाहेंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन जब हम कराएंगे तो देखिए ये जो हमारा एनोड है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, आयरन, ये कॉपर तो खुद ही है, जिंक है, गोल्ड है, और क्या हमारे पास सिल्वर है, ये सब इसमें है। बताइए इन सब में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन कौन है, यानी ऐसे कौन है जो ज़्यादा रिएक्टिव है, आपके रिएक्टिविटी सीरीज लिखाई गई थी ना, नहीं याद है, चलिए हम बता देते हैं। इसमें ये जो गोल्ड और सिल्वर हैं, दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये बिल्कुल ना के बराबर रिएक्ट करते हैं, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहते। तो बताइए क्या इनका ऑक्सीडेशन होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, ये ना जो भी हैं ये आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, नीचे जो इलेक्ट्रोड है उसी इलेक्ट्रोड के नीचे आके क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और ये सब क्या है, इम्प्यूरिटीज हैं, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन जो भी अमाउंट में होंगे वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे।
इनको हम क्या बोलते हैं, मड। क्या बोलते हैं हम, मड बोलते हैं। अब देखिए दूसरी, अब देखिए ये जो आयरन, कॉपर और जिंक तीन दिख रहे हैं, ये तीनों क्या है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। आयरन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe2 प्लस में, कॉपर Cu2 प्लस में, और जिंक Zn2 प्लस में, यानी कि इन तीनों का ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान रहे, तीनों का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि मेरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तीनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इम्प्योरिटीज गेट ऑक्सीडाइज्ड अलोंग विथ कॉपर। जितने भी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो सब कॉपर के साथ साथ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और वो कौन है, कॉपर, जिंक और आयरन। तो देखिए कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, कॉपर 2 प्लस में। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, जिंक 2 प्लस में। आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, आयरन 2 प्लस में। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, हाँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। जबकि जो दो ऐसे भी हैं, गोल्ड और सिल्वर, जो कि क्या है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते। सो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव इंप्योरिटी लाइक सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड आर एक्यूमुलेटेड। वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं, यानी एक जगह जमा हो जाते हैं। कहाँ पर, बिलो द एनोड। जो एनोड का हमारा इलेक्ट्रोड का कैथोड बना था, नॉट कैथोड, इलेक्ट्रोड बना था, उसी के नीचे वो इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि वो एनोड के नीचे इकट्ठा होते हैं, इसलिए हम उनको एनोड मड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एनोड मड, ठीक है। चले अब एक बात तो क्लियर हो गई, यानी कि मेरी इस पूरे एक्टिविटी में क्या क्या हुआ। यहाँ पर आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड थे, जिसमें से सिल्वर गोल्ड तो नीचे बैठ गए। अब क्या बच्चा मेरे पास, आयरन, कॉपर, जिंक, तीनों क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज, यानी कि तीनों यहाँ से क्या हो रहे होंगे, इस जो सॉल्यूशन है इसमें डिजॉल्व हो रहे होंगे आयन्स के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, हमें कोशिश करना है यहाँ पर कौन आए, सिर्फ और सिर्फ कॉपर आ जाए। अगर इन तीनों में से, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या क्या मिल गया, Fe2 प्लस, Cu2 प्लस, और हमें क्या मिल गया, जिंक 2 प्लस। लेकिन मुझे क्योंकि सिर्फ कॉपर प्योर चाहिए, तो हम तो चाहेंगे ना मेरे इस प्योर वाले पे कौन आए, सिर्फ और सिर्फ कॉपर आए। तो आइए डिस्कस करते हैं वो कैसे पॉसिबल है, यानी कि अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, कैथोड रिएक्शन की। तो देखिए अगर हम कैथोड पे बात करें रिडक्शन की, तो देखिए कैथोड पे सिर्फ सिर्फ कॉपर का रिडक्शन होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन में आयरन, कॉपर, जिंक के आयन्स हैं, उसमें से सिर्फ सिर्फ कॉपर के आयन्स का रिडक्शन होगा, बाकी जिंक और आयरन के आयन्स का रिडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए देखते हैं। देखिए एंड आयन्स ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स लाइक जिंक एंड आयरन। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी बहुत भी याद होगी तो आप देखेंगे जिंक आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, कॉपर की क्या होती है, कम होती है ना। तो देखिए अब हाइड्रोजन की नहीं कॉपर की क्या है, रिएक्टिविटी बिल्कुल कम है, यानी कि वो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू जिंक एंड आयरन, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, और कॉपर 2 प्लस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। जबकि ये जो जिंक आयन और आयरन के आयन्स होंगे, यानी कि Fe2 प्लस और Zn2 प्लस, वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से खुद को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, और वो उसी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी में मिक्स फॉर्म में रह जाएंगे। और इस तरह से मुझे टोटल क्या पता चल गया कि देखिए यहाँ पर आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड थे, सिल्वर गोल्ड यहाँ आ गए, यहाँ से आयरन, कॉपर, जिंक तीनों आ गए कहाँ पर, ये सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी कि एक्वस फॉर्म में आयन्स में बन गए। जबकि इन तीनों में से सिर्फ जो आयन है किसका, कॉपर का, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, वो लेस रिएक्टिव था, इसलिए वो रिड्यूस किया और वो क्या बन गया, कॉपर, और कॉपर बन के यहाँ पर इकट्ठा हो गया। जबकि जिंक और आयरन के जो आयन्स थे वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से खुद को रिड्यूस नहीं करा पाए और वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह गए। इस तरह से देखिए यहाँ पे सब मिक्सचर थे, लेकिन यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे सिर्फ और सिर्फ हमें कौन मिला, प्योर कॉपर मिला। समझ में आ रही मेरी बात, चलिए अब आपको जो याद रखना है वो क्या है,
देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। पहला, हम पॉइंट वाइज इसलिए कराते हैं ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपको याद न करनी पड़े, कुछ चीज़ें आप देख के सीख जाए और जो अभी तक आप सीखे हैं उसकी बेसिस पे आप खुद से चेक करना और गेस करना स्टार्ट कर दे कि किस कंपाउंड के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन से प्रोडक्ट बनने के कितने चांसेस है। ये हर बार ट्रू नहीं है, बट दिस इज सफिशियंट फॉर योर बोर्ड एंड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए ये सफिशियंट है। जितना सिलेबस आपके दिया गया है उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ये हर बार ट्रू नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं। पहला, मेटल्स ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 13, यानी कि फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्टीन ग्रुप, ये वो ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखते हैं, यानी कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हैं, हैव लेस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP। अब देखिए इनकी जो, क्योंकि ये क्या मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इनकी कौन सी वैल्यू ज़्यादा होती है, SOP वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि SOP की वैल्यू ज़्यादा होती है इसलिए इनकी SRP वैल्यू लगातार क्या होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। अब बताइए अगर इनकी SRP की वैल्यू कम है और वाटर की SRP की वैल्यू ज़्यादा है तो कौन रिड्यूस हो जाएगा, यानी किसका रिडक्शन पॉसिबल है? हाँ, वाटर का रिडक्शन पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि उसकी SRP की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उस केस में आपको हर बार क्या मिलेगा, वाटर का रिडक्शन कराएंगे। अगर आप वाटर का रिडक्शन कराएंगे तो हर बार आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बात समझ आ रही है? यानी कोई भी मेटल का सॉल्ट ले ले, अगर आप मान लीजिए मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, तो अभी हम एनोड पे बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अगर कैथोड पे बात करेंगे, कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, तो कैथोड पे देखिए दो चीज़ें मिल सकती हैं, एक तो सोडियम सॉलिड मिल सकता है, दूसरा वाटर के रिडक्शन से क्या मिल सकता है, हाइड्रोजन। तो आप देख के बताएंगे सर, क्योंकि सोडियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कि यहाँ पे इसका रिडक्शन नहीं हो रहा होगा, रिडक्शन किसका हो रहा होगा, वाटर का, और वाटर के रिडक्शन से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आप मान लीजिए आपको दे दिया गया कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 twice। अभी हम इस पर क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आगे की पॉइंट्स बात नहीं की गई है, जब हम आगे की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे तो हम यहाँ पे भी आएंगे। अब मान लीजिए ये दिया गया, तो कैल्शियम देखिए क्या है, सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कि खुद रिड्यूस नहीं हो पाएगा। हाँ, तो वाटर का रिडक्शन होगा और वाटर रिडक्शन से फिर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, यानी कि इस केस में भी आपको हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा, कहाँ, कैथोड पर। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट, डी ब्लॉक मेटल्स हैव मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP। अगर हम डी ब्लॉक मेटल्स की बात करें, जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, तो ये निकल, ये जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं इनकी SRP की वैल्यू वाटर के SRP की वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बताइए ये खुद रिड्यूस होंगे या वाटर को रिड्यूस होने देंगे, ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे, और ये खुद रिड्यूस होंगे तो अपना ही मेटल देंगे, यानी कि अगर निकल है तो आपको निकल मेटल देगा, निकल के कैटायन निकल का मेटल देगा, आयरन का कैटायन है तो आयरन मेटल देगा, अगर कॉपर का मेटल है तो कॉपर का कैटायन देगा, सॉरी कॉपर का कैटायन है तो कॉपर का मेटल देगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपको अगर याद है तो जो कॉपर सल्फेट हमने लिया था, हाँ, वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, डिपोजिशन ऑफ कॉपर देखने को मिल रहा था, यानी कि हम देख रहे थे कि कैथोड पे लगातार कॉपर इकट्ठा हो रहा था, यानी हमें कॉपर मिल रहा था, वहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रहा था। कर सकते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनायंस लाइक फ्लोराइड आयन F-, सल्फेट आयन SO3 2-, H2O8 2-, और NO3-, हैव लेस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SOP। इनकी जो SOP की वैल्यू होती है वो वाटर के SOP से क्या होती है, कम होती है, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते, तो फिर ऑक्सीडाइज कौन होगा, वाटर, और वाटर का ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, वेरी गुड, क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कि आपको F-, सल्फेट-, SO3 2-, H2O8 2-, या NO3- आयंस मिल रहे हैं, तो उस केस में आपके एनोड पे क्या मिलेगा, आपको हमेशा ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अगर ये आयंस छोड़ के और कोई आयंस हैं वहाँ पर, तो वो वही आयंस का वो मिलेगा आपको।
ठीक है, आइए ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट, मान लीजिए आपको ये दे दिया गया इलेक्ट्रोलाइट, और आपसे कहा गया बताइए कैल्शियम सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद कैथोड और एनोड पे क्या मिलेगा। तो पहले हम चेक करेंगे कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन किसका किसका पॉसिबल है, कैल्शियम का और वाटर का। अब हमें ये बताइए कैल्शियम और वाटर दोनों में से किसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होती है, वाटर की। इसकी एसओपी की वैल्यू बड़ी होती है लेकिन एसआरपी की वैल्यू क्या होती है, छोटी। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, ये सेकेंड ग्रुप का मेम्बर है, यानी कि हमें कैल्शियम का जो कैल्शियम आयन होगा उसका रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो रिडक्शन किसका हो रहा होगा, वाटर का, और वाटर के रिडक्शन से हमें क्या मिलता है, हाँ हाइड्रोजन गैस, यानी कि कैथोड पे हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा ना। अब हम बात करते हैं सल्फेट आयन की, जब यहाँ से हमें सल्फेट आयन मिलेगा तभी हमने डिस्कस किया, अगर सल्फेट आयन आपको मिल रहा है SO4 2-, तो उस केस में आपको जो एसओपी की वैल्यू होती है वाटर की, एसओपी की वैल्यू से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, वाटर का, और वाटर का ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है हमको, ऑक्सीजन गैस, कर सकते हैं। तो देखिए जो हम उतना सारा लिखकर सारे वैल्यू से कंपेयर करके कर रहे थे वो वैल्यू हम ऐसे शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सोडियम फ्लोराइड की बात करते हैं। देखिए सोडियम क्या है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, हाँ, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी लगता है। तो बताइए सोडियम आयन की एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी या वाटर की, वाटर की एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव, यानी कि रिडक्शन किसका होगा, वाटर का, और हमें क्या मिलेगा, H2 गैस। उसी तरह से आप फ्लोरीन आयन की जब कंपेरिजन करेंगे तो फ्लोरीन आयन की एसओपी की वैल्यू क्या होती है, वाटर के एसओपी की वैल्यू से लगातार छोटी होती रहती है, यानी कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो बताइए आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। इस तरह से आप कुछ गेस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा प्रोडक्ट आपको कैथोड पे और एनोड पे मिलेगा। ध्यान दें ये हर बार ट्रू नहीं होता है, इसलिए आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट पहले सिखाया गया है फिर आपको ये ट्रिक भी सिखाई गई है। ये ट्रिक हर बार ट्रू हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, हाँ ये बात और है कि मैक्सिमम केस में ये ट्रू हो जाता है और हमारा काम बन जाएगा, बट हाँ कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट से जब आप करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास जिंक सल्फेट का, ये देखिए क्या है जिंक, ये ना ही ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ना 2 से, ना ही 13 से, ये किसी ब्लॉक करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो याद है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो खुद के ही मेटल्स को देते हैं, यानी कि इस केस में इसकी एसआरपी की वैल्यू वाटर की एसआरपी की वैल्यू से ज़्यादा होती है, यानी कि जो जिंक आयन है ये खुद रिड्यूस होगा, वाटर को रिड्यूस होने नहीं देगा। तो देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन लेके खुद रिड्यूस होगा और क्या देगा हमें, जिंक सॉलिड, यानी कि हमें कैथोड पे क्या मिलेगा, जिंक का सॉलिड फॉर्म। अब देखिए फिर से यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सल्फेट आयन SO4 2-, ये हमें पता ही है कि इसकी एसओपी की वैल्यू काफ़ी कम होती है, इसलिए ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज कौन होगा, वाटर, और वाटर का ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, O2 गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से आप कुछ गेस करना चेक कर सकते हैं या खुद गेस कर भी सकते हैं, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, आप घर पर ट्राई करेंगे दोनों के कैथोड और एनोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, आप उसको प्रिडिक्ट करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।